आज कक्षा 10 का हम लोग कल से पहला चैप्टर शुरू किए थे जिसका नाम था जैव प्रक्रम। जहाँ तक कि हमने कल पढ़ा कि पोषण, जैव प्रक्रम, पोषण के प्रकार, तो आज हम पढ़ेंगे इसमें पौधों में पोषण, मतलब पौधों में पोषण होता कैसे। हेडिंग है पौधों में पोषण, मतलब पौधों में पोषण किस प्रकार से होता है, पौधे अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। जहां तक कि हम लोग जानते हैं पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन सूर्य के प्रकाश से ग्रहण करते हैं। पौधों में जो पोषण होता है वो दो प्रकार से होता है। सबसे पहला है स्वपोषित पौधे और जो दूसरा है परजीवी पौधे। ठीक, पौधे जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। सबसे पहला है स्वपोषी पौधे और दूसरा है परजीवी पौधे। स्वपोषी का मतलब होता है, जैसे हम लोगों ने कल पढ़ा था कि स्वपोषी का मतलब होता है स्वयं, मतलब खुद से भोजन प्राप्त करना या स्वयं भोजन ग्रहण करना। और परजीवी का मतलब होता है जो एक जंतु दूसरे जीव पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। इस प्रकार के जो मतलब इस प्रकार के पोषक पदार्थ या अपना जो भोजन ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाते हैं, परजीवी कहलाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे तो परिभाषा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने कल पढ़ लिया था स्वपोषी का भी और परजीवी का भी। तो अब इसमें हम देखेंगे कि जो पौधे हैं वो अपना भोजन ग्रहण कैसे करते हैं। जो उसके बाद जो परजीवी होता है, परजीवी जो है दो प्रकार का होता है। पहला होता है मृत जीवी और दूसरा होता है स्वपोषी। पहला स्वपोषी होता है और दूसरा जो होता है वो परपोषी होता है। परपोषी होता है, परपोषी होते हैं। परपोषी जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो है वो मृत जीवी है, फिर उसके बाद जो दूसरा है वो परजीवी होता है। क्या होता है, परजीवी होता है। ठीक, मृत जीवी और परजीवी। जैसे कि हमने कल बताया था कि मृत जीवी जो पौधे होते हैं, जो मृत जीवी जो जंतु होते हैं वो अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, जो सड़े गले पदार्थ होते हैं वो, या फिर जो भी जंतु मर जाते हैं उनके मृत शरीर से वो अपना भोजन प्राप्त करते हैं। परजीवी का मतलब होता है परजीवी, परजीवी का मतलब होता है किसी दूसरे जीव पर निर्भर होने से। माने जो कोई एक जीव है वो किसी दूसरे जीव पर निर्भर होता है। इसी प्रकार से पौधे भी होते हैं जो दूसरे पौधे पर निर्भर होते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, सबसे पहला मृत जीवी का एग्जांपल है गोबर छत्ता और परजीवी का है अमर बेल। ठीक, देखिए जो मृत जीवी का जो पौधा होता है गोबर छत्ता, जो सड़ी गली लकड़ियां होती है आप देखते होंगे बरसात के मौसम में, या फिर जब नम जगह होता है वहां पे सड़ी हुई लकड़ियों पर छतरी नुमा एक पौधा जमा होता है जिसको बोलते हैं गोबर छत्ता। वो क्या करता है, वो मृत लकड़ियों से या फिर सड़ी गली लकड़ियों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और परजीवी का उदाहरण है अमर बेल। आप देखते होंगे जो भी, जैसे मान लीजिए आम का पौधा हो या फिर नीम का पौधा हो, उस पर पानी की पत्तियों के जैसा बहुत सारे क्या होते हैं, मतलब पौधे छा जाते हैं, वो कहलाता है अमर बेल।
वो जिस पर निर्भर होते हैं उन्हीं से वो अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे मान लीजिए जो आम का पेड़ है या फिर किसी पीपल का पेड़, किसी का भी पेड़ हो, मान लीजिए उस पर अमर बेल है, वो अपना भोजन ग्रहण कैसे करेगा? जैसे मान लीजिए कि वो जो आम का पेड़ होता है वो पृथ्वी से अपना क्या करता है, पोषण पदार्थ वो ग्रहण करता है, जो अपने लिए वो भोजन प्राप्त करता है उसी से अमर बेल भी अपना भोजन प्राप्त करता है। तो यहां फिर उसके बाद देखते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, जहां तक कि हम जानते हैं जो ज्यादा से ज्यादा पौधे होते हैं वो अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, सूर्य के प्रकाश से, मतलब सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। ग्रहण करने के बाद वो ग्लूकोज में परिवर्तन करके अपना पोषक तत्व क्या करते हैं, धीरे धीरे अवशोषित कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्रकाश संश्लेषण कहते किसे हैं। हरे पौधों में जिस विधि द्वारा भोजन का निर्माण होता है उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है पौधों की पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल की उपस्थिति में होता है। उस मतलब उनकी पत्तियों में क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश को अपनी तरफ क्या करता है, अवशोषित करता है और अवशोषित करके उन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। फिर आगे देखिए, इस विधि में पौधों की पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा अवशोषित करके जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से ग्लूकोज के रूप में अपना भोजन प्राप्त करते हैं।
ठीक। तो पौधे अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक, तो ये देखिए क्या है, हरे पौधे जिस विधि द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस विधि को पूरा करने के लिए पौधों को क्या जरूरत पड़ती है, मतलब उपस्थित सूर्य का प्रकाश है, तो सूर्य को प्रकाश ना करते वो आप अपनी तरफ अवशोषित करते हैं, अवशोषित करने के बाद क्या करते हैं, उनको जल की आवश्यकता पड़ती है और कार्बन डाइऑक्साइड। जल उन्हें कहां से मिलता है, वो पृथ्वी के अंदर से मिलता है, और कार्बन डाइऑक्साइड उन्हें कहां मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वायुमंडल में मुक्त अवस्थाओं में पाया जाता है। उनकी सहायता से क्या करते हैं, वो अपने भोजन किसमें तोड़ते हैं, ग्लूकोज में तोड़ते हैं। इन्हीं ग्लूकोज मतलब ग्लूकोज में तोड़ने के बाद पौधे जो होता है वो अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो देखिए एक बार हम देख लिए रिएक्शन देखते हैं कि ग्लूकोज का निर्माण करते कैसे हैं। सिक्स CO2 प्लस सिक्स H2O सूर्य का प्रकाश यहां पर रहेगा क्लोरोफिल। अब यहां से क्रिया करके बनेगा ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6O2 और थोड़ी मात्रा में बनता है जल। ठीक, तो सूर्य का पौधे अपना भोजन ग्रहण कैसे करते हैं, वायु मुक्त मतलब वायुमंडल में मुक्त